हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए करंट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या फील करें वो जानने की कोशिश। बहुत चैलेंजिंग मैसेजेस हैं और हैवी एनर्जी है क्योंकि ऑब्वियसली पूर्णिमा नज़दीक है। हैप्पी होली इन एडवांस, क्योंकि तबीयत जिस तरह से मेरी ख़राब हो रही है तो आई डोंट नो कि वीडियो तभी डाल पाऊंगी कि नहीं। तो ऐसा इतनी बिगड़ी हुई नहीं है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि उतनी एनर्जी नहीं रहेगी इसके लिए। तो इन केस बता रही हूँ। और जब भी आपको लगे कि मेरे कोई वीडियोस नहीं आए तो आपको शायद नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, और या शायद मैंने वीडियोस डाले नहीं है, लेट आ सकते हैं, बट आएंगे ज़रूर। कोशिश तो मेरी वही रहती है क्योंकि इनडायरेक्टली से ही आपकी हीलिंग मेरी इंटेंशन है, और इनडायरेक्टली से ही आपके मैनिफेस्टेशंस हो ये मेरी इंटेंशन है। क्योंकि बेसिकली मुझे आपसे मतलब है, आपकी एनर्जी चेंज करने से मेरा मतलब मुझे ज़्यादा फील होता है कि ये होना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, क्या निकल के आता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हमेशा कहती हूँ, रिचुअल्स तो कंप्लीटेड है, लेकिन जब भी फ्लेम जलाऊँ तो फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। एक पल के लिए भूल जाइए कि सेपरेशन है, तकलीफ है, ये है वो है, वरना आपकी एनर्जी उस चीज़ को एब्जॉर्ब या पकड़ नहीं पाएगी कि क्या फील कर रहे हो जानने के। क्योंकि वो कितने रीडिंग में मुझे फील मैसेजेस आते हैं ना कि रीडिंग देखते देखते ही उनको कॉल मैसेज आया है, इसका मतलब वो एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली हो रहे हैं। तो लेट्स सी, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एनर्जी फ्लेम जिस तरह से बातें कर रही है कि मुझे स्ट्रांगली फील हुआ कि ये इंसान फ़ोन उठाता है, नंबर डायल करता है, मैसेज टाइप करता है, या कुछ कोशिश करता है, फुल कोशिश करता है आपसे बात करने की, जानने की, आपकी डीपी स्टोरीज कहीं से देखता है, फिर अपने आप को रोक लेता है। और ये हरकत ना बार बार हो रही है। मुझे स्ट्रांगली 3 नंबर दिख रहा है, एक इवन त्रिशूल के साइन जैसा, कि हो सकता है कि महादेव की कृपा है आपके ऊपर। यस, फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव, इफेक्ट स्टार्ट हो गए, क्योंकि जिस तरह से हरकत मुझे नज़र आई कि उनको बहुत ज़्यादा, यस मून मुझे नज़र आ रहा है, यस फुल मून नज़र आ रहे हैं डेफिनेटली। तो जिस तरह से इनकी हरकत चल रही है तो इनका ऐसा लग रहा है कि इनकी डेस्परेशन बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, मतलब हर एक मतलब एनर्जी है ना वो ज़्यादा मुझे ना डिस्टर्ब फील हो रही है। कि कुछ केसेस में ना डेस्परेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ केसेस में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कुछ केसेस में गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, वो वाली एनर्जी है। जो लोग थर्ड पार्टी से परेशान हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में डेफिनेटली एक चेंज, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें हैं, हरकतें हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। मुझे समा फील हुआ कि 222 या 69 नंबर आपको बहुत दिख रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मिरर नंबर दिख रहा है। लाइक पहले 69 दिखता था, अभी 96 दिख रहा है, लेकिन 222 आपको कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और उसका स्ट्रांग रिकन्सिलेशन या रीयूनियन की एनर्जी फील हो रही है मुझे।
लेवन लेवन अगेन, जिनको कुछ लोगों, मैंने कहा ना कि पहले 69 दिखता था, अभी 96 दिख रहा है, मिरर नंबर दिख रहा है, मिरर नंबर. फॉर एग्जांपल 10 01, 12 21, समथिंग ऐसे नंबर दिख रहे हैं. मुझे स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, जो हमेशा से ही समो फील हो रहा है, क्योंकि यस आपको 88 एंजल नंबर भी दिख रहा है, 88 888, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है. ये मुझे स्ट्रांग इंडिकेशन मिल रहा है कि जैसे आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है. थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा ख़त्म होने के कगार पे है. यस, इनकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब, बहुत गुस्से, बहुत एंग्जाइटी, ऐसे वो जो फील हो रही है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत डिस्टर्ब और आपको ना अचानक से रोना आ रहा है, वाली एनर्जी फील हो रही है. आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मतलब आपने बहुत कोशिश की थी, आपने बहुत हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया है, आपने बहुत मोटिवेट होकर रखा है, लेकिन समाव अभी ऐसा हो रहा है ना कि आपकी एनर्जी कंट्रोल में नहीं है. आपको अचानक से बहुत याद आ रही है और आपको बहुत रोना आ रहा है, और ये इनकी एनर्जी है. ये डेफिनेटली आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, आपको रोना ज़्यादा आ रहा है. मुझे पिकॉक दिख रहा है, डेफिनेटली एक ग्रोथ और एक है ना प्यार की निशानी जैसा फील हो रहा है मुझे. एक नज़र जो आपकी आपको लगी थी या आपके रिश्ते को लगी थी, समाओ ऐसा लग रहा है कि उसे प्रोटेक्शन दिया जा रहा हो. मुझे लेटर के यू वी जी एस एस नजर आ रहा है. एक समाव ने एक माला दिख रही है, तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा मैरिज इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं. इनसिक्योरिटी, डर या कुछ भी हो, इनकी तरफ से मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कॉल आएगा. बस एक है चीज़ कि आपकी तरफ से मूवमेंट नहीं होना चाहिए. हालांकि ये चाहते हैं कि आप उनको कॉल करें. समाव ऐसा है ना कि कुछ चीज़ों का जैसे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ चीज़ें ना आपके ऊपर डालना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनकी एनर्जी जिस तरह से चल रही है, ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपके बदलाव से ये बहुत डिस्टर्ब्ड है, बहुत शॉक में है, बहुत इनसिक्योर भी हो रहे हैं. जैसे हर एक चीज़ हो रही है लेकिन समझ नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्या है. बहुत याद आती है, बहुत समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, इसके लिए कॉल करके या कहीं पे जानने की कोशिश है. बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है. स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है कि ये फ़ोन उठाते हैं लेकिन मैसेज करने का टाइप करते हैं, समाव करते हैं लेकिन रुक जाते हैं. कुछ जैसे ना फील होता है कुछ गलत हुआ था या कुछ कुछ कहा था या कुछ अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ चीज़ ऐसे उनको रोक देती है ना कि जिस वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पाते. ये अपने आप को ना बिज़ी रखने की बहुत कोशिश करते हैं, जैसे कि काम हो, दोस्तों में रहना हो, दोस्त कहीं पे कुछ समझो ना कुछ भी एक्टिविटी है, कुछ मूवी देखना हो, दोस्तों के साथ कहीं चले गए, कुछ मतलब कुछ भी चीज़ जिससे बहुत मतलब वो बिज़ी रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समा कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी याद आती है कुछ बातों से, कुछ इंसिडेंट से या अचानक से बैठे बैठे. मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी मिरर कर रहे हो. कौन कितना ज़्यादा याद कर रहा है उसके ऊपर जैसे ना एक जंग छिड़ी हुई है. पता नहीं कि ऐसा लग रहा था पहले
रोते भी लगते सही, आप उनके सामने जाते थे, आप उनको रिक्वेस्ट करते थे बात करने की, अनब्लॉक करने की, या समा कुछ तो ऐसे हुआ था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा सब नहीं हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? और ये चीज़ है ना, या फिर आपका कुछ चेंज, लाइक ना आपने कुछ लाइक कुछ तो ऐसा चीज चेंज किया, लाइक हेयर स्टाइल हो, हेयर कट हो, या फिर समा कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से वो अलग ही इंप्रेशन में गया है कि क्या चल रहा है? सबसे बड़ी इमोशन ना इंसिक्योरिटी या कुछ भी हो, इसमें ना नाराजगी नहीं है, नाराजगी किसी और के लिए है, चिढ़ किसी और से है। ये चिढ़ किसी और के लिए है, और बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एक तो दो चीज़ें, एक तो दो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो कुछ लोगों के लाइफ में, वो धीरे धीरे से सही निकलती जा रही है, और दूसरी चीज़ है, दूसरी चीज़ जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है वो है रिकन्सलेशन। मुझे बार बार 30 मार्च या 30 डेज कुछ फील हो रहे हैं, शायद इस दिन पे आपका कुछ कनेक्शन है, या उस दिन पे कुछ आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, या उनका कॉल मैसेज आना, या अचानक उनका आपके सामने टपक पड़ना। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज में हो, आप कोशिश करते हो, बट समहाउ अचानक से एक मोमेंट के लिए आप अचानक से टूट जाते हो, अचानक से टूट जाते हो। पास के कोई इंसिडेंस या इनका ऐसा बिहेवियर या इनका इंतज़ार जो ख़त्म होने का नाम ले रहा है, एक पल के लिए आपको जैसे ना तोड़ के रख जाता है, तोड़ के रख देता है। खुशखबरी ये है कि कुछ लोगों के केसेस में रिकन्सिलेशन मुझे श्योर होता हुआ दिख रहा है, और कुछ केसेस में थर्ड पार्टी सिचुएशन निकलती हुई बहुत ज़्यादा जल्दी दिख रही है। जैसे कि आप तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ बोलने की वजह से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म हुई है, क्योंकि इनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हुआ वो वर्ड्स, वो चीज़ आपके लिए अगेंस्ट जो बोले गए उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। माना कि उस वक्त उन्होंने उस पर्सन को कुछ कहा नहीं हो कुछ केसेस में, लेकिन उनको ये बात बहुत हर्ट कर गई कि आपके बारे में कुछ ऐसा बोला गया या कुछ ऐसा कुछ भी सुना गया, वो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। ये आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा ना लव अट्रैक्शन और हर फीलिंग फील कर पाते हैं। माना कि उनको लग रहा है कि चीज़ें खराब है और हो नहीं सकती, लेकिन वो भी किसी मिराकल का या चमत्कार का वेट कर रहे हैं कि एक दिन ऐसा कुछ हो कि जैसे ना एक जैसे कि अलग ही कुछ हो और सिचुएशन ना ऐसे एकदम टर्न हो जाए, लाइक कि अजीब तरीके से कुछ ऐसा हो जाए कि हमारे बीच का जो एक सेपरेशन है, हमारे बीच की जो बाउंड्रीज है, अचानक से ख़त्म हो जाए और वही प्यार वो फील करना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये अभी इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जैसे कि पहले उन्होंने इस रिश्ते के बारे में जो सीरियसली नहीं सोचा था, अपनी गलतियों को नहीं माना था, अपनी अपने मतलब आपके लिए जो करना था, आपको गलत समझना था, ये हर चीज़ जो रॉन्ग रॉन्ग हुई थी, अभी वो जैसे ना कुछ ठीक करना चाहते हो। बहुत पॉजिटिव फीलिंग होती है, लेकिन अपने आप को रोके, क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें या तो उन्होंने रायता फैलाया हुआ है, या कुछ चीज़ें ऐसी फैली मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स में है, एग्जाम्पल के तौर पे कि वो मैरिड होना, आप मैरिड होना, या दोनों मैरिड होना, ये सब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसकी वजह से वो डिसीजन या आपकी तरफ मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है, फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही है। तो इनकी यही एनर्जीज के, पॉजिटिव एनर्जीज के नोट पे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये एनर्जी एग्जैक्टली एब्जॉर्ब करनी है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा होपफुल है, पॉजिटिव है, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करना चाहते हैं, कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं, सीरियसली सोचना चाहते हैं कि रिश्ता बहुत खूबसूरत है, उसे और खूबसूरत बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए।
मुझे कैंसर टॉरस जेमिनाई स्कॉर्पियो की एनर्जी फील हो रही है। नंबर्स में मुझे 2 नंबर 8 नंबर 3 नंबर 7 नंबर, हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज में कुछ अचानक से कुछ उनकी तरफ से मूवमेंट हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है। फुल मून की एनर्जी बहुत असर डालती है, हो सके तो आप अभी से शुरू करिए कि फुल मून के रिचुअल्स क्या होते हैं उसके पास स्टडी कीजिए, और फुल मून के रिचुअल ज़रूर करिए आपकी मन शांति के लिए। अगर आप इनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो भी अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर आप जानते हो कि कड़वा चौथ भी होता है, ईद होती है, वो फुल मून की एनर्जीज़ को बहुत मतलब मून की एनर्जीज़ को ग्रैब करने की होती है, तो बेसिकली आपकी मन शांति के लिए ही एटलीस्ट आप फुल मून रिचुअल्स करके देखिए, आपको बहुत फील होगा। अगर जिनको एग्जैक्टली मतलब अचानक से बहुत एंग्जाइटी हो रही है, रोना फील हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हो सके तो उस माहौल से 1 मिनट के लिए निकल जाइए, पानी पीजिए, रिलैक्स हो गए, लेकिन बहुत डीप ब्रीदिंग कीजिए और रिलैक्स हो जाइए, एक पल के लिए शांत हो, क्योंकि एंग्जाइटी में कोई भी चीज़ हावी नहीं होने देने ही अपने ऊपर, ये बात याद रखिए। तो लेट्स से कि ट्रू लव ओरेकल से क्या मैसेज आ रहे हैं, और इवन रोमांस एंजल से 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, सिल्वर वाटरफॉल, बाउंड्रीज, मैंने बात की थी ना बाउंड्रीज की, और इनर पीस, और बॉटम ऑफ डेक है द लव। तो अगर बात करूँ मैं स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है, इसलिए कुछ चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, या तो किसी का असली चेहरा, या आपके लिए जो फीलिंग्स है जो उन्होंने सप्रेस करके रखी थी, दबा के रखी थी, वो चीज़ें बाहर आ रही है। उनका कहीं ना कहीं इस रिश्ते के ऊपर भरोसा बहुत बढ़ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्पेक्ट फील हो रहा है। ये बेसिकली अपने आप में इनर पीस ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन उनके लाइफ में ऐसे चल रही है ना कि जिसकी वजह से सुकून नहीं है, और वो सुकून आपके साथ होता है, होता था, ये वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो आपकी एनर्जीज मिस कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज मिस कर रहे हैं, उसके लिए वो ही सही, वो आपके पास आना चाहते हैं। आपके बीच में जो भी दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो दीवारें हैं ना, वो मिटाना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। और आपके लाइफ में बेसिकली आपके लाइफ में बेसिकली एक फ्रीडम आ रहा है, एक इमोशनल फ्रीडम फील हो रहा है, प्यार आ रहा है, और जो अंधेरा छाया था उसमें कलर्स आ रहे हैं। तो मुझे बार बार होली की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा फील हो रही है, कि बहुत ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस लेके आने वाली है। लेट्स सी कि रोमांस एंजल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, मैंने कहा ना कि इनकी रोमांटिक फीलिंग्स भी बहुत एग्रीवेट हो रही है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ ऑफ एक्सप्लोरिंग, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हीलिंग फैमिली इशूज, तो मुझे लगता है कि मैंने जैसे कहा ना कि कुछ ऐसा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन या कुछ भी है उसकी वजह से, या कुछ उनके घर में कुछ ऐसा है, या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन में है, डिस्टर्ब्ड है, तो उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स, तो हो सकता है कि किसी चीज़ के उनको शायद अपनी पेरेंट्स कंट्रोल या बचपन के कुछ इश्यूज है, चाइल्डहुड ट्रॉमास, उससे वो हील होने की कोशिश कर रहे हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो हो सकता है कि इस आपकी सिचुएशन में आपके फ्रेंड्स की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ मदद होगी, या मैंने कहा ना कि ये स्टॉकिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट द सपोर्ट फ्रॉम अदर्स,
तो बेसिकली किसी की मदद ज़रूर है, हो सकता है कि किसी भी थ्रू आपके तरफ मदद आ जाए। और मुझे स्ट्रांगली इस कार्ड से ऐसा लगा कि वो जो स्टॉकिंग एनर्जी है या किसी भी चीज़ की है, वो फ्रेंड्स के थ्रू ज़्यादा हो रही है या फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन हो रहा है। एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मैंने कहा ना सोल कनेक्शन है, और ये रिलेशनशिप आपका जो है पास्ट लाइफ से है। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। जो मैंने सुबह की रीडिंग की थी कल, वो मुझे फील हो रही है कि डेफिनेटली इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आप लोग एक दूसरे से पहले से ही जानते हैं, इस जन्म से पहले से भी, तो वो है। इसलिए तो घूम फिर के हम लोग यही आ जाते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप दिस इज ए इट इज सेफ फॉर यू टू लव द पर्सन। ओपन योर हार्ट इज गिव टू रिसीव, गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये पर्सन आपके लिए सही है, ये यूनिवर्स का कहना है। माना कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब कीजिए। यू आर डिजर्व टू बी हैव ट्रू लव। आप सच्चे प्यार के हकदार हैं और वही आपके नसीब में आ रहा है, हर चीज़ वही इंडिकेट कर रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।